अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हो कि आप सब लोग ठीक ठाक हो। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि YouTube चैनल में कस्टम URL है क्या, और हम अपने YouTube चैनल के लिए कस्टम URL कैसे सेट कर सकते हैं, और अपने YouTube चैनल का कस्टम URL बनाना ज्यादा अहम है। अगर आप अपने YouTube चैनल का कस्टम URL नहीं बनाते तो फिर आपके चैनल के नाम से किसी दूसरा बंदा बना लेगा, और फिर वो नाम से आपको कस्टम URL नहीं मिलेगा। आज की इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि कस्टम URL कैसे सेट कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरा YouTube चैनल टेक्निकल मुखलिस सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, और फिर बेल आइकन निशान पर क्लिक करें, और फिर ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारे हर आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कस्टम URL है क्या। कस्टम URL हमारे चैनल का एक छोटा और शॉर्ट लिंक है। कस्टम URL बनाने से पहले हमारे चैनल पर ऑटोमेटिकली एक लिंक बना हुआ। अभी यहाँ से मैं ये लिंक कॉपी करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कितना लंबा जोड़ा लिंक है। तो कॉपी करने के लिए ऊपर सर्च है, मैं इस पर क्लिक करो, और यहाँ पर कॉपी का बटन है, मैं इस पर क्लिक करो, और ये लिंक यहाँ से कॉपी होगा। अभी यही लिंक मैं इनबॉक्स में पेस्ट करता हूँ, और आपको दिखाता हूँ कि ये कितना लंबा जोड़ा लिंक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो लिंक मैंने पेस्ट कर दिया। ये बहुत लंबा लिंक है और ज़ुबान याद करना भी मुश्किल है, और प्रोफेशनल लिंक नहीं लगेगा। तो चलते हैं कस्टम URL की तरफ के कस्टम URL कैसे सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपना मोबाइल में क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ। ब्राउजर ओपन करने के बाद अपना मोबाइल डेस्कटॉप सेट कर लिया, तो ऊपर 3 डॉट है, इस पर क्लिक करो, और यहाँ पर डेस्कटॉप साइड लिखा है, इस पर चेक लगाओ। मैंने ऑलरेडी चेक लगा दिया, तो मैं बैक का बटन है, मैं इस पर क्लिक करो। डेस्कटॉप साइड करने के बाद अपना चैनल क्रोम ब्राउजर में लगाओ, मैंने ऑलरेडी लगा दिया। चैनल लगाने के बाद ऊपर चैनल का लोगो है, मैं आपको थोड़ा सा जूम करता हूँ, और यहाँ चैनल का लोगो है, आप देख सकते है, इस पर क्लिक करो। चैनल लोगो क्लिक करने के बाद यहाँ पर चैनल लिखा है, इस पर क्लिक करो। इसके बाद ऊपर चैनल का लोगो है, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे चैनल का लोगो है, तो मैं इस पर क्लिक करो। चैनल लोगो क्लिक करने के बाद नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करो। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा ऑप्शन आते हैं, और इसमें आखिर वाला जो ऑप्शन है एडवांस सेटिंग, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। एडवांस सेटिंग क्लिक करने के बाद ऐसा पेज सामने आते है, और यहाँ पर कस्टम URL ऑप्शन आते हैं, और यहाँ पर लिखा कि यू आर एलिजिबल फॉर ए कस्टम URL क्लेम एट हियर। इसका मतलब ये है कि मेरे चैनल कस्टम URL के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर एक बात जरूर याद रखो, अगर आपके पास यही ऑप्शन नहीं आए तो आपके पास 4 चीज होना जरूरी है। पहला नंबर, आपके पास 100 सब्सक्राइबर होना जरूरी है। दूसरा नंबर, आपका चैनल 30 दिन पुराना हो। तीसरे नंबर, आपके चैनल पर लोगो जिसको हम प्रोफाइल कहते हैं वो लगा हुआ होना जरूरी है। चौथे नंबर, आपके चैनल पर चैनल आर लगा होना चाहिए। अगर आपके पास इन 4 चीज है तो आपको कस्टम URL मिलेगा। अभी कस्टम URL के सामने यहाँ पर लिखा क्लेम हियर, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लेम हियर क्लिक करने के बाद ऐसा पेज सामने आते है, आप देख सकते है कि यहाँ पर मेरे चैनल का जो कस्टम URL है ये आते है, और उसके नीचे मेरे चैनल का जो नेम है इसमें चेक लगा है, और उसके नीचे लिखा कि आई हैव रीड एंड एग्री टू द कस्टम URL। और उससे पहले यहाँ पर एक छोटा सा जगह है, तो मैं इस पर क्लिक करो, और यहाँ पर चेक लगा दिया। चेक लगाने के बाद नीचे चेंज URL है, तो मैं इस पर क्लिक करो। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे चैनल का URL आते है, और वो ये है youtube.com/c/technicalmukhlis। ये सेट करने के लिए नीचे कन्फर्म चॉइस है, तो मैं इस पर क्लिक करो। कन्फर्म चॉइस क्लिक करने के बाद ऐसा पेज सामने आते हैं, और इसका मतलब ये है कि मेरे कस्टम URL सेट हुआ। अभी वो URL मैं चेक करता हूँ कि इससे मेरे यूट्यूब चैनल ओपन हो गया नहीं। तो इसके लिए मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ, और सर्च में लिखो www.youtube.com/c/technicalmukhlis। आप देख सकते हैं कि मैंने क्रोम ब्राउजर सर्च में लिखा www.youtube.com/c/technicalmukhlis, और ये मैं सर्च करता हूँ, और मेरे चैनल ओपन हुआ कस्टम URL से। इसका मतलब ये है कि मेरे कस्टम URL सेट हुआ। अब मैं वो कस्टम URL इनबॉक्स में लिखो, और आपको दिखाता हूँ कि ये कितना शॉर्ट और छोटा URL है। आप देख सकते है कि यहाँ पर मैंने दोनों URL लिखा है। पहले वाला URL ये जो मेरे चैनल पर ऑटोमेटिकली लगा हुआ था, और ये बहुत लंबा लिंक है, जुबानी याद करना भी बहुत मुश्किल है। और उसके नीचे कस्टम URL है जो मैंने अभी सेट कर दिया, और ये छोटा URL है, जुबानी याद करना भी आसान है, मैंने अभी याद कर दिया www.youtube.com/c/technicalmukhlis।
और कस्टम यूआरएल एक प्रोफेशनल यूआरएल लगेगा। और इसका फायदा ये है कि आप अपना चैनल का लिंक किसी को भेजना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी रुको और इसको भेजूंगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।